एक कहानी ऐसी भी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक डरावनी कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 2005 की है। एक बच्चा होता है जो मुंबई में रहता है, उसकी उम्र 11 साल की होती है। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उसके पिता, जो कि भारतीय रेलवे में काम करते थे, डिसाइड करते हैं कि उन्हें समर वेकेशन में बच्चे को लेकर के दिल्ली जाना है, और वो उस बच्चे को दिल्ली ड्रॉप कर देते हैं। बच्चा अपनी वेकेशन के बाद जब वापस मुंबई आने का टाइम आता है, तो मुंबई आने की तैयारियां शुरू करता है। लेकिन किसी कारणों से उसके पिता इस बार उसको पिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे में काम करने की वजह से उनका नेटवर्क अच्छा होता है, और वो अपने किसी फ्रेंड्स ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे मुंबई ड्रॉप कर दीजिए। बच्चा रेलवे स्टेशन पे आता है और ड्राइवर के केबिन में जा कर के ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। दोस्तों, किसी भी बच्चे के लिए जिसकी उम्र 11 साल मात्र हो और वो ड्राइवर के साथ में ड्राइवर केबिन में बैठ कर के ट्रैवल करना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। बच्चा पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है, वो विंडो पे बैठ कर के सारे नज़ारे देख रहा होता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, उसके पिता इसे लेकर के थोड़े से घबराए भी होते हैं। इतनी छोटी उम्र का बच्चा, एक तरह से वो अकेला ही आ रहा था। ट्रेन गुजर रही होती है, सफ़र भी उनका धीरे धीरे कट रहा होता है। तभी एकाएक एक रेड सिग्नल होता है और ट्रेन वहाँ पे रुक जाती है। जब ट्रेन वहाँ पे रुकती है, तब करीबन रात के 2 बज रहे होंगे, लेकिन ट्रेन कुछ ज़्यादा ही देर तक यहाँ पे रुकती है। तभी बच्चा खिड़की से देखता है, एक बूढ़ी औरत जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, पास की ही एक बस्ती से निकल के ट्रेन की तरफ रोड से चली आ रही है। बच्चा फिर दूसरी चीज़ों में देखने लगता है और उसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। ये सडनली बच्चा देखता है कि बूढ़ी औरत खिड़की पे खड़ी है, ट्रेन की खिड़की से खड़ी होकर के वो कुछ खाने के लिए मांग रही है। बच्चा छोटा होता है, उसके पास में कुछ होता भी नहीं है। बच्चा ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है, अंकल प्लीज़ आप कुछ दे दीजिए ना इसको, अगर आपके पास में है तो। तभी ड्राइवर की नज़र उस बूढ़ी औरत पे पड़ती है, और ड्राइवर उस बूढ़ी औरत को गालियां देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर बच्चा सोचता है कि अंकल इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं बूढ़ी आंटी के साथ में। फिर जो ड्राइवर होता है वो बच्चे को भी डांटता है, क्यों तुम खिड़की पे बैठे हुए हो, दूर हटो वहाँ से, और बच्चे को खिड़की से दूर हटा देता है। उसके बाद वो औरत धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। फिर ट्रेन भी चलने लगती है। बाद में थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बच्चे से फिर पूछता है, क्या तुम खिड़की पे बैठना चाहते हो, बाहर के नज़ारे देखना चाहते हो, बैठ सकते हो। फिर बच्चा बोलता है, अभी तो आपने मुझे वहाँ से बैठने से मना किया, आपने मुझे डांटा, अब आप मुझे बैठने के लिए क्यों बोल रहे हैं। फिर ड्राइवर उसको पूरी बात समझाता है। ड्राइवर कहता है कि बूढ़ी औरत जो खाना मांग रही थी वो खिड़की से मांग रही थी, जहाँ पे ट्रेन खड़ी थी वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ये एक रिमोट सिग्नल था।
और वो बूढ़ी औरत की हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, तो वो औरत खिड़की तक कैसे आ गई खाना मांगने के लिए। फिर बच्चा सिहर जाता है, उसके अंदर डर की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर ड्राइवर उसको समझाता है, बहुत टाइम पहले ये एक बहुत ही गरीब औरत हुआ करती थी, जिसकी यहाँ पे ही रेलवे क्रॉसिंग पे मौत हो गई होती है, और वो अपना गुजारा लोगों से भीख मांग करके, खाना मांग करके ही किया करती थी। वो एक बुरी आत्मा नहीं थी, बट अगर उसको तुमने कुछ दे दिया तो फिर वो तुम्हारे पीछे ही लग जाती है, नुकसान करने के लिए नहीं, लेकिन खाने की, कुछ पाने की चाह में। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी या बहुत सारे तो काफ़ी टाइम रेलवे में सफ़र करते ही हैं, और हमारी भी ट्रेनें बहुत बार ऐसे सिग्नलों पे रुकती ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हमें रात में खास करके किसी भी अनजान जगह पे, किसी भी अनजान लोगों के साथ में कम से कम इंटरेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम अपने अगली सीरीज में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।